तो एक सवाल छोटा सा मैं कहूँगा कि जो अभी महंगाई का जो तूफान आया है, इसमें हमारी जो है वाइट कॉलर फैमिली इस वक्त बहुत परेशान है, तो इसके लिए मैंने फैसल खानानी साहब से बात की थी, तो उन्होंने रेंट की मद में जो किराए के घर में रहते हैं उनके लिए 70% अनाउंस किया है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो है कदम उपाड़े नहीं वो कदम उपाड़ी चुकी है। वासली मैनेजिंग कमेटी के अंदर असा जो यूँ 6.5 करोड़ करोजनता रुपये से जो है रेंट जो है इनजो असा जो यूँ वो बेड़ो उपाड़ी आयूँ कि 6.5 करोड़ रुपया साकड़े वर के अंदर मेमन बिरादरी के वो लोग जो किराए में रहन था ने किरायो अफोर्ड नथा करी सकन, ठीक है ना, उनके लिए जो है असा ये प्रोग्राम चालू करी रहा हूँ। तो हमारी दूसरी जमातों को भी आप क्या मैसेज देंगे इस मुश्किल के हालात में, क्या एक्टिविटी उनको करनी चाहिए स्पेशली वाइट कॉलर हजरात के लिए, क्योंकि जो ज़कात से मदद ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी जमात की तरफ जा रहे हैं लेकिन वाइट कॉलर तबका बिल्कुल दबता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला से हम पुरउम्मीद हैं। ये पाकिस्तान है और ये इस्लाम के नाम पर बना है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा, मगर साथ साथ एहतियात के तौर पे मैं समझता हूँ कि जो आने वाला जो वक्त है, जैसे आपने कहा कि जो रेंट पे रहते हैं वो और बाकी ऐसे भी लोग हैं जो वाइट कॉलर हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि हंगामी बुनियादों पे, तमाम जमातों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हंगामी बुनियादों पे एक सेल बनाएं, अपने तमाम अपने अपनी जमातों के अंदर फेडरेशन के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ, और उन तमाम लोगों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद रखू था कि अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करी दिनों, तो जदे सुधी जो माड़ू पा मतलब उनमें रिए तो पाँच हाउस में रेंट में रिए तो उनजो 12 करोड़ ओछ करने की कोशिश कर जे जमात से बड़ो मिली ने, तो मैं कोशिश करूँ था कि 400-500 माड़ू के इनमें गिनी गिन जने 15,000 रुपये जो है इनके महाना पा इनके दीजिए जी रेंट में मदद में, कि भले वो रेंट में करे पोते जो कुछ चीज़ में खर्च करे, तो ये पा करी आयूँ प्रोग्राम अनाउंस इंशाल्लाह वो करी रही आयूँ, इन लाई पैसा ना हर चीज़ का पैसा खपन था, उम्मीद रखा तो कि इंशाल्लाह पाँच मेमन कम्यूनिटी दिल खोली ने पैसा दिए थी,